आज के लिए गुड न्यूज़ लेके आई हूँ कि एक्टिव केसेस के नंबर पे 1022 पॉइंट से गिरावट आई है। एंड ये एक्टिव केसेस क्या होते हैं मैं फिर बता देती हूँ, पहले भी बताया है कि जो केसेस हमारे पास कन्फर्म होके आते हैं उनका जो आउटकम बाहर जाता है, मतलब कि कुछ लोग या तो रिकवर होके जाते हैं या कुछ लोग की डेथ हो जाती है, तो वो जो केसेस क्लोज हो जाते हैं उसके बाद जो केसेस बचते हैं दैट इज़ एक्टिव केसेस, जिनका अभी आउटकम आना बाकी होता है दैट इज़ एक्टिव केसेस। एक्चुअली 11 जून को एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी हुई थी 4,690 एंड 14 जून को एक्टिव केसेस में बढ़ोतरी हुई थी 3,702 और आज एक्टिव केसेस घट गए हैं 1,022। आज 10,014 केसेस कंफर्म होके आए हैं, रिकवरी हुई है 10,637 केसेस की और डिसीज्ड हैं 395। तो आज जो एक्टिव केसेस हैं वो 1,022 कम हो गए हैं, तो अब एक्टिव केसेस का नंबर कम होने लग गया है। दिस इज़ रियली अ वेरी गुड न्यूज़। और अगर ग्राफ्स पर भी नज़र डालिए तो देखिए एक्टिव केसेस का ग्राफ बहुत स्टीप डिक्लाइन हो रहा है, जबकि रिकवरी जो है स्टीप इंक्लाइनेशन की तरफ जा रही है और डेथ का ग्राफ जो है दैट इज स्टेबल। एंड एक चीज़ और कहूँगी मैं आपसे कि कल खबर सुनने में आई कि एक IRS ऑफिसर ने, दिल्ली के IRS ऑफिसर ने सुसाइड कमिट कर लिया, जिस रीजन सुन के उनमें दंग रह गई, जस्ट इस वजह से कि उनको ये डर था कि कहीं ये डिजीज़ उनके फैमिली मेम्बर्स को स्प्रेड ना हो जाए। और दूसरी शॉकिंग बात ये है कि जबकि उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी, जस्ट अ वीक बिफोर उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया था और देन ऑल्सो ही कमिटेड सुसाइड। तो सोचिए जब एक इतना एजुकेटेड आदमी इतना भयभीत है, इतना डरा हुआ है कोविड को लेकर, तो नॉर्मल आदमी कितना डरा हुआ हो। आज की डेट में या तो जो लोग अपना लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, न्यूज़ नहीं देख रहे हैं, दे नो व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, वो डरा हुआ नहीं है, या फिर वो आदमी डरा हुआ नहीं है जिसको भाई रोजी रोटी के लिए बाहर जाना है, तो ज़िंदगी ने प्रैक्टिकली उसे सिखा दिया कि भाई कि दिस डिजीज इज़ नॉट एट ऑल डेडली, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। And I keep on telling you, I keep on repeating you again and again, right तरीका नहीं है ये statistics पढ़ने का जो कि मीडिया में दिखाया जाता है। केसेस के नंबर बढ़ते हैं उससे मत डरिए, केसेस के नंबर बढ़ेंगे, आप सपोज कीजिए किसी को सर्दी खांसी जुकाम वायरल फीवर, किसी को इवन सिंपल वायरल फीवर भी होता है, तो साल में मेरे बच्चे को 2 से 3 बार होता है और साल में एक बार हर एडल्ट को भी होगा। आप खुद सोचिए कि वो नंबर कितना बढ़ेगा, वो भी कितना जब वायरल फीवर फैलता है तो कितना यूबिक्विटस होता है, वाइड स्प्रेड होता है, तो वो भी इजीली मतलब घर में एक को होगा तो दूसरे को भी हो ही जाता है। तो उस नंबर्स बढ़ते हैं, नंबरों से आप डरेंगे, मतलब दिस इज रियली नॉट फेयर। आई हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम्स इन माई प्रीवियस वीडियोज की वायरल फीवर को छोड़िए, आप एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को लीजिए, कि जो आंकड़े हैं वो 4 करोड़ से ऊपर जाते हैं हर साल, यही ट्रेंड है। तो बढ़ते हुए नंबर्स को देख के मन डरिए, डरने का विषय तब होता जब रिकवरी अच्छी नहीं हो। बस आज आउटकम आ चुका है 1,90,139 केसेस का, मतलब इतने केसेस क्लोज हो चुके हैं। 1,90,139 केसेस में से 1,80,225 रिकवर्ड हुए हैं और डेथ हुई है मात्र 9,914 केसेस। दिस इज नॉट एट ऑल डेडली, तो नहीं है अभी 137 करोड़ का टेस्ट नहीं हुआ है, तो जब इसका जो फैटलिटी रेट निकाला जाएगा तो वो बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं जिसको हो गया है वो विदाउट ट्रीटमेंट रिकवर हो जा रहा है। जो आप लोग के मन में डर है कि बीमारियों जिस जो ऑलरेडी डिजीज्ड है, जिसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशंस हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या जो 70 साल से ऊपर है उनको ये इफेक्ट करता है, ऐसा भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस के थ्रू बताया है कि मैंने आपको मेडिकल सर्टिफाइड डेथ्स बताई हैं जिसमें कि डिफरेंट कॉजेज दिखाए गए थे, जिसमें 30 से 40 साल के उम्र के लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट होता है तो कितने नंबर ऑफ पर्सन डाइड होते हैं, विद रिस्पेक्ट ऑफ एजेस मैंने आपको सब कुछ दिखाया है प्रीवियस वीडियोज में, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। WHO इज टोटली कन्फ्यूज,
सब इतना डरे हुए, लेकिन कौन सर्टेन है आज की डेट में? हु इज सो मच श्योर? बिल गेट्स. नॉर्मलसी कैन ओनली रिटर्न अंटिल वी वैक्सीनेट एंटायर ग्लोबल पॉपुलेशन. बस ये याद कीजिए, समझ जाइए, दिस इज अंडर एजेंडा. ICMR की गाइडलाइंस बदली गई डेथ सर्टिफिकेट इशू करने की, मतलब इतना डेथ वॉच करने के बाद भी सभी कोमॉर्बिडिटीज को, कोई लीवर कैंसर से मरा है, कोई गॉल ब्लैडर कैंसर से मरा है, कोई कार्डियक अरेस्ट से मरा है, सबको इसमें डाल देना हुआ. उसके बावजूद भी, डेथ्स को वॉच करने के बावजूद भी सिर्फ 10,000 तक ही अभी तक डेथ्स सिमटी हैं इन 4-5 महीनों में. दिस इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू नीड नॉट टू फियर अबाउट. एंड प्लीज, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो फियर फैलाएगा, बट आप लोग लॉजिक यूज़ कीजिए, अपना ब्रेन यूज़ कीजिए और डर से बाहर निकलिए.